नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं सुल्तानपुर जिले के बल्दीरा ब्लॉक के देवरा गांव का निवासी हूं। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि परवल के फूल पीले होकर क्यों सूख जाते हैं, परवल में कौन कौन सा रोग लगता है और परवल के पौधे की सिंचाई कब करें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि परवल के पौधे की सिंचाई हम कैसे करें, क्योंकि ये अप्रैल का महीना चल रहा है, इस समय गर्मी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ गई है। तो किसान साथियों, हम बताते हैं आपको, देखिए हमने अपने परवल के पौधों के लिए, देखिए हमने इस किनारे से नालियां बना ली हैं और इस किनारे से नालियां बना दी हैं और ये बेड बना दिए हैं और इसी बेड के बीच में ही हमारा पौधा लगा हुआ है। तो किसान साथियों, हम क्या करते हैं, इन्हीं नालियों में पानी भर देते हैं दोनों साइड से और सींच करके हमारे इन परवल के पौधों पर पहुंच जाता है। तो परवल की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, हम समय समय पर डीएपी या यूरिया खाद का इस्तेमाल करते रहते हैं। हम चाहे डीएपी होगी चाहे यूरिया होगी, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पौध डाल देते हैं और उसके बाद डालने के बाद सिंचाई कर देते हैं। देख रहे हैं किसान साथियों, देखिए हमारा ये परवल का पौधा कितने बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। अब हम बताएंगे कि परवल के जो पौधे होते हैं उसमें कौन सा रोग लगता है। जब काफ़ी तेज़ गर्मी होने लगती है तो परवल के पौधे में सुंडी नामक रोग लगता है। इसके लिए हम हमला, मिसाइल, इन कीटनाशक में से किसी एक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 25 से 30 ml डाल करके छिड़काव कर देते हैं और इसका छिड़काव करने के बाद हम जो हमारे परवल के पौधे के जो ये फूल जो है ये पीले होकर सूख जाते हैं। देखिए ये बहुत पहले के सूखे हुए हैं, देखिए ये फूल काफ़ी पहले के हैं, सूखे हुए हैं, सूख गए हैं। तो हमने क्या किया, चमत्कार टॉनिक का इस्तेमाल किया। चमत्कार टॉनिक का इस्तेमाल करने से जड़ें विस्तृत रूप से ज़मीन में फैल जाती हैं और जब जड़ें विस्तृत रूप से ज़मीन में फैल जाती हैं तो ये ज़मीन से पोषक तत्वों को अवशोषण करके पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचाने लगती हैं। तो जो ये इसमें फूल लगे होते हैं इसको उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलने लगता है और इससे क्या होता है कि जो ये फल फूल नहीं रुक रहे होते, पीले होके सूख जाते हैं तो वो रुकने लगते हैं और स्टार्टिंग में विशेषकर ये बहुत समस्या दिखाई देती है। हम अपने इन परवल के पौधों को दिखाते हैं किसान भाइयों को, देखिए हमारा परवल का पौधा कितने बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है और इसमें जितने भी ये लगे हुए हैं परवल के फल, एक तरफ से देखिए फल रुकना स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमने अपने इसमें ये देखिए एक तरफ से फल लगना स्टार्ट हुआ है। देखिए हमने दो बार इसमें, किसान भाइयों देखिए हमारे इस परवल के पौधे में, कैमरामैन से कहेंगे कि ला के दिखाएँ, देखिए एक तरफ से ये देखिए सारी जितनी भी परवल के ये फल लगे हुए हैं सारे अब रुकना स्टार्ट हो गए हैं। एक तरफ से देखिए हर गांठ पर ये रुकना स्टार्ट हो गया है। देखिए ये हमने क्या किया है, अपने इन परवल के पौधे में दो बार चमत्कार टॉनिक का इस्तेमाल कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि जितने भी फल लग रहे हैं सारे रुकना स्टार्ट हो गए हैं और हमारा परवल का पौधा इतने तेज़ी के साथ ग्रोथ किया है, देखिए पूरी तरह से मचान के ऊपर एक तरफ से फैल गया है और हमने ये बेड के ऊपर ये परवल का लगाया है, दोनों तरफ से नालियाँ बना दी हैं और देखिए ये फल हर जितने भी फल लगे हुए हैं, जितने भी फूल आए हैं सारे फल लगना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए एक तरफ से और कितने बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है, देखिए सारे जितने भी फल लगे हुए हैं सारे के सारे रुकना स्टार्ट हो गए। ये देखिए ये फल कैमरा मैन कहेंगे नज़दीक से दिखाएं, देखिए ये एक तरफ से सारा फल लगना, ये देखिए दो दो तीन तीन फल इकट्ठा जितने भी, ये देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अब इसमें से फूल पीले होकर सूख रहा है और एक तरफ से ये सारा का सारा फल रुकना स्टार्ट हो गया है। और आगे चल के दिखाते हैं, देखिए पूरी तरह से मचान पर और एक तरफ से देखिए कितने फूल लगे हुए हैं, सारा फूल ही फूल दिखाई दे रहा है।
इतने तेज़ी के साथ इसमें ग्रोथ हुआ है। और फूल को देखिए, एक तरफ से जैसे हर गांठ पर और सारा का सारा फूल रुकना स्टार्ट हो गया है। इस प्रकार किसान साथियों, यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।